भाई ये एक मशीन है मैकेनिक की। मैकेनिक का तो यार नाम ही काफी है। आप कितनी बार कितने प्रोडक्ट लेते हो मैकेनिक के? मैकेनिक का तो नाम ही बहुत अच्छा होता है, आप सबको पता। मतलब कुछ चीज ऐसी हैं जो नाम के पीछे बिकती हैं, मैकेनिक, सनशाइन, रियल लाइफ वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ चीज़ों पे हमारा विश्वास होता, एक मन की जो तसल्ली होती है ना, वो एक विश्वास के साथ में। ठीक है, तो ये एक मैकेनिक की मशीन है, SMD मशीन है। आप अगर चिप लेवल का काम करते हो और आपको जरूरत है इस चीज की, तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि आप ये मशीन परचेज कर सकते हो। ठीक है, अनबॉक्स करने से पहले इसकी रेट की बात करेंगे। जो इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है सर आपका 5,200 रुपये। आप इसे नए ऑफर, नए साल वगैरह वगैरह कुछ भी बोल सकते हो। और इसके साथ आपको एक सीमटी फ्री, आप इसे आप नया साल ऑफर बोल सकते हो या 2022 बोल सकते हो, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन ये मैं आपसे बोल सकता हूँ कि अगर आपको SMD मशीन की ज़रूरत है और आप चिप लेवल का काम करते हो, अगर आप IC चेंजिंग वगैरह वगैरह के लिए, तो आप इस मशीन को परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हो। अब इसे करते हैं हम अनबॉक्स। इसके साथ क्या क्या चीज़ मिलती हैं, कुछ चीज है इसमें ऐसा कुछ खास देखने के लिए या कुछ नहीं है, वो सारी चीज अब बता तो रहा हूं मैं आपको। तो चलो आ जाओ ना फटाफट से। और हाँ यार, कमाल कर रहे हो आप, वीडियो लाइक नहीं किया आपने, फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा, बेल आइकन प्रेस करो। अभी हम 200K सब्सक्राइबर के यार बहुत नजदीक हैं, तो यार और थोड़ा इस परिवार को और आगे बढ़ाओ यार। ऐसे ही आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरा भी फायदा होता है यार। तो जितना भी होता मैं यार दिल से बात करता हूँ आपसे, कोई ऐसे नहीं कि भाई मैं कोई घुमा फिरा के ऐसे ऐसे ऐसे, तो दिल की बात तो दिल तक ही होती है। तो फटाफट से आपने कर ही दिया चैनल सब्सक्राइब मेरा, तो बेल आइकन, बस अपने यार दोस्त को के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर किसी भाई को SMD की जरूरत है तो वो इस वीडियो में रिव्यू देख सकते हैं इस मशीन का और वो परचेज कर सकते हैं। तो भाई जब इसे आप फर्स्ट टाइम परचेज करोगे तो आपको मिलेगा इस तरीका का डिब्बा मिलेगा। इसमें कुछ क्वालिफिकेशन लिखी हुई है कि वोल्टेज वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ आप देखना तसल्ली से। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, तो जैसे ही आप इसे ओपन करोगे एक यूज मैनुअल एक कॉपी मिलेगी, जिसमें आपके उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं या कुछ इसके यूजिंग बारे में बताया जाता है कि कैसे यूज करना, कितनी डिग्री, कितना टेम्परेचर, कितना एयर, वो सारी चीज़ें होती हैं। आप अपना कोई भी चीज़ लेते हो और उसके साथ साथ में एक यूजर मैनुअल मिलती है, तो उसे ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लिखी होती है, शायद हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, पावर कॉर्ड, 4 नोजल और 4 स्क्रू, ये इसके साथ में ये हैं। हत्ते को रखने के लिए स्टैंड बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, और इसमें और कुछ है नहीं ऐसा, बाकी ये सारी चीज हम साइड में रख देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अभी आप बहुत से भाई ऐसे हैं ना कि जिन्हें हमें चिप लेवल का कुछ काम करना होता, IC से रिलेटिव काम होता है, कि एक तो होता है कि नॉर्मल मशीन होती है जिसमें हम चार्जिंग जैक वगैरह वगैरह का काम करते हैं, लेकिन हमें जब IC पे काम करना होता है तो IC पे काम करने के लिए सिंपल सा हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कि टेम्परेचर, एयर, कि जिससे हमारी जिस IC को हम रिमूव कर रहे हैं या ऐड करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो वो ख़राब ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ हमें एक बजट मशीन, अच्छी मशीन में लेना पड़ता है, और वो बहुत अच्छे अच्छे आज की डेट में बहुत सारी मशीनें हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमारा बजट कम है और हमें कम बजट में काम करना है। तो देखो ये मशीन है, और इस मशीन का नाम है मैकेनिका 857DW+। ठीक है, SMD है ये, और जो इसकी एयर है वो 8 तक जाती है, 8 तक, और जो इसका टम्परेचर आप बोल सकते हो वो 100 डिग्री से लेके 450 डिग्री तक जाता है। ठीक है, ये एक ऑन ऑफ बटन है जो इसमें यहाँ पे दिया गया है,
और ये एयर और हीट के लिए ये केबल होती है। ये सारा कुछ हो गया, इधर कुछ भी नहीं है, इधर इसे ये दो स्क्रू हैं जो ये यहाँ पे ऐसे लगेगा, ठीक है, वो भी हम लगाएंगे अभी। और हम देख लेते हैं बैक साइड, तो बैक साइड इसका मैकेनिक का स्टिकर है जिसपे इसका सीरियल नंबर है, का मॉडल नंबर है, वोल्टेज है, सारी चीज़ है इसमें लिखी हुई है। और यहाँ पे ये एक फ्यूज होता और एक पावर कॉर्ड को लगाने के लिए होता। इसके साथ में ये निकलेंगी जब इसे आप फर्स्ट टाइम परचेज करोगे, जब इसे अनबॉक्स करोगे, ठीक है। मशीन, चार नोजल, एक स्टैंड मिलेगा इसका इसे रखने के लिए, और ये पावर कॉर्ड है, चार स्क्रू मिलेंगे, ठीक है। ये तरह तरह के जो नोजल होते हैं आपको चेंजमेंट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम करते हैं स्टार्ट, मतलब मशीन को चालू करते हैं, पावर देते हैं इसे। ये जो वीडियो है बनाने का सिर्फ ये मेरा मकसद है, अगर नए भाई कोई भी SMD परचेज करना चाह रहा और जिनको ज़रूरत है तो वो ले सकते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पे इसमें पावर प्लस कर दी है, तो मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये मैंने यहाँ पे पावर ऑन कर दिया, ये देखो, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने जीरो कर रखी है। ये शायद ऐसा होगा कि इस हफ्ते में कि जैसे मैं यहाँ से इसे हटाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये देखो चलना स्टार्ट होगी। तो जैसे ये आपका मैंने अभी सोई कर रखा जो भी है। और एक दूसरी चीज़ मेरे को इसकी सबसे अच्छी ये लगी कि जो और हत्ते होते हैं और मशीनों के, जो बड़ी मशीनों में तो ऐसे ही हत्ते होते हैं, जो नॉर्मल मशीन होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ से टू पीस वाले हत्ते होते हैं, तो उनमें जब कभी हम एलिमेंट चेंज करते हैं तो वो हवा लीक हो जाती है, वो हवा कभी नहीं बन पाती ना कुछ वैसे सेटल। लेकिन जो ये हत्ता है, आपको अगर कभी इसका एलिमेंट भी चेंज करना तो ऊपर से एलिमेंट चेंज करोगे, यहाँ से सिंपल सा तीन स्क्रू है, तीन स्क्रू निकाल के एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने हत्ते पे ऐसे उठाया तो ये यहाँ से आराम से अब ये बंद हो जाएगी मशीन, देखो बंद हो गया ना इसके। अब जैसे ही मैं इसे उठाऊंगा, ये देखो अब इसकी जो इसके अंदर मोटर है वो बंद होगी, ठीक है। अब मैं इसे हफ्ते को उठाया तो मैंने ये चालू होगी, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छी होती है कि जो हमारी चीज़ों को ख़राब ना करे, कि जैसे कि कोई IC निकालनी तो उसको ख़राब ना करे, या कभी मदरबोर्ड को फुला ना दे, ऐसा भी होता ना, मदरबोर्डों को फुला देती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बस ये है कि आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कौन सी मशीन परचेज करनी है। तो देखो जो कोई चीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ना, वो चीज़ आपके लिए अच्छी होती है और उसमें फ़ायदा होता है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि उसमें आपका नुकसान होता है, ठीक है। अगर कोई भाई मूड बनाए बैठे हो और SMD की उसे ज़रूरत है तो आप यार सिंपल सा इसे परचेज कर सकते हो, क्योंकि यार मैकेनिक नाम अच्छा है। बहुत से बंदे, मैं खुद मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैकेनिक की बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स होता है उनका, लोग अगर ब्रांडेड चीज़ों पर भी जाते हैं, देखते हैं, ख़रीदते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। तो अब मैं थोड़ा इसका यहाँ पे आ जा भाई ज़रा, और ये वीडियो में तो नहीं बता सकता कि भाई कैसे काम करे। जैसे ये डिग्री हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया 200-220 पे ले गए हम इसे, और 325 पे ले गए। जैसे अभी एयर बिल्कुल ज़ीरो है, एयर अभी बिल्कुल ज़ीरो एक पे कर रखी है मैंने, ठीक है, मतलब बिल्कुल डाउन है। और अभी हवा भी खूब आ रही है इसमें से। अगर जैसे मैं इसे एयर को बढ़ाऊँ तो ये देखो यहाँ पे ये देखो कितना सारा वो आ रहा, आवाज़ भी आ रही है ना आपको, देखो आ रही है। तो ये देखो, ये मैं 8 पे लेके गया, ये देखो कितनी तेज मोटर इसकी कर रही है, ये देखो ठीक है। अगर मैं इसे 450 लेके जाऊँ तो ये 450, ये देखो बिल्कुल कितना वो हो गया, ठीक है। तो फिर की मशीन को देख के ये नहीं कह सकते कि वो बंदा मशीन से काम कर रहा तो वो सही है, या वो काम जितना भी होता है वो आपके हैंड स्किल पे काम होता है, ना कि किसी दूसरे के उस पर, ठीक है। तो आपका, आप जितने सालों से काम कर रहे हैं या कुछ वैसे कर रहे हैं, तो वो आपका हैंड स्किल, आपको अपने मशीन का अंदाज़ा होता है। हर किसी को अपनी बाइक चलाने का अंदाज़ा अलग होता है, हर किसी को अपनी गाड़ी चलाने का अंदाज़ा अलग अलग होता है। जब हम किसी दूसरे की चीज़ को चलाते हैं ना, थोड़ा अजीब अटपटा लगता है सभी को लगता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे हफ्ते को ऐसे रखता हूँ तो इसे कितनी देर में नॉर्मल हो जाता है, ये देखो ये डाउन होने लगा बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल ठंडी हवा, ये लो जी,
हो गया, अब थोड़ी देर में ये मोटर भी इसकी बंद हो जाएगी जब तक ये पूरा वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये मशीन होगी, अगर किसी भाई को मशीन परचेज करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जेडएक्स मलिक का कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका ही प्रोडक्ट है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। ये जो मशीन है 5,200 रुपये की है, और जो इसका इसके साथ क्या मिल रहा है आपको, एक चिमटी मिल रही है जो मैकेनिक की ओरिजिनल चिमटी है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे से हो रही होगी ये वाली चिमटी है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।